हेलो एवरीबॉडी, ये एनवायरनमेंट का अपना 6th लेक्चर है। नवंबर 2017 के महीने को हम इसमें कवर कर रहे हैं। आज सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2018 का फॉर्म निकल गया है। इस बार वैकेंसी कम आई है, 782 समथिंग। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन और ध्यान से कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर जो वीडियो सीरीज है एनवायरनमेंट की, इकोनॉमी और बाकी जो सीरीज चल रही है मिशन 2018 की, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक बात याद रखिएगा, लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने नेशनल पार्क के ऊपर। तो आई रिमेंबर एक कुछ किसी ने कमेंट लिखा था उसके अंदर, अपने उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर, कि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, फल बहुत कम मिलता है, और जो अपने जो प्रिपरेशन और जो बेनिफिट रेशियो होता है वो बहुत ही कम है। एंड आई रियलाइज़ कि उसमें एटलीस्ट नेशनल पार्क से ही हमारे 2-3 सवाल ऐसे आए थे यूपीएससी में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, जो मतलब उस पार्ट से कवर किए जा सकते थे। तो कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, जैसे लोग आई रिमेंबर 2016 से पहले आर्ट एंड कल्चर छोड़ के जाते थे तो बहुत नुकसान हो जाता था। सिमिलरली इन्वायरमेंट छोड़ के जाते हैं, कोई साइंस एंड टेक छोड़ के चला जाता है। ये तीनों पार्ट ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा आजकल वेटेज रखते हैं। बाकी जो अपने कोर वाले पार्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो ऑलरेडी हमारे पता ही हैं, हिस्ट्री वाला, मॉडर्न इंडिया वाला, ये सारे ऑलरेडी उनका तो काफ़ी वेटेज रहता ही है। साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स भी कुछ ज़्यादा आ गया है। तो हमें ये याद रखना है कि इन चीज़ों को हमें मतलब छोड़ना नहीं है, और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। लेट्स मूव अहेड। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। इसमें एक नई बटरफ्लाई सीरीज अपनी एक मिली है, इसका नाम है ऑटोमन लीफ। एक रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज है जो कर्नाटका और अपनी इसमें केरला के अंदर मिलती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो अपनी जो बटरफ्लाई मिली है, ये एक जो ये अपने पत्ते होते हैं, जैसे ये वाले इसमें अपने डायग्राम में दिख रहे होंगे आपको, इधर राइट साइड के अंदर इन पत्तों जैसी दिखती है। ये जो मिली कहाँ पे है, ये जो बटरफ्लाई है, हमें मिली है ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, GSWS। याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर कोई भी सवाल आता है तो ये रेयर बटरफ्लाई स्पीसीज वहाँ मिली है। ऑटोमन, ये जो अपनी लीफ होती है ना, जो पेड़ों पर गिरती हैं इस तरह की, इनकी तरह दिखती है वो। ठीक है, और जो ये जो अपनी जो सेंचुरी है वो कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु के अंदर मिलती है। ठीक है, वैसे तो ये केरला के अंदर भी दिखती है। ये जो अपनी सेंचुरी है इसको बटरफ्लाई हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये इसके आसपास देखो तो प्यारिया टाइगर रिजर्व है, ये पालघाट गैप पता होगा आपको, है ना। जियोग्राफी के अंदर ये तैयार कर लेना, सारे जो घाट होते हैं ना अपने नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट वाले भी, सारे घाट आपको पता होने चाहिए जो गैप्स होते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं अपने, मतलब कि एटलीस्ट 4-5 साल में यूपीएससी आप पूछ ही लेती है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि कब कौन सा कहाँ, और एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑटोमन लीफ वाली अपनी ये हो गई थी बटरफ्लाई। सेकंड आपको याद होगा अराउंड 2015 में शायद या 16 में एक सवाल आया था अंडमान आइलैंड के अंदर, ये एक बनाना स्पीसीज जो खोजा गया था उस टाइम, बट 2014 में मिला था। ये रिमोट ट्रॉपिकल अपना रेन फॉरेस्ट था, कहाँ पे, लिटिल अंडमान के अंदर, उसके अंदर ये जो बनाना था अपना, जो केले की जो एक स्पीसीज है, मूसा इंडानाडा मनेसिस जो भी है, ये मिली थी। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक सेकंड स्पीसीज और मिली है, वाइल्ड बनाना स्पीसीज जंगल के अंदर मिलने वाली, ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड के अंदर मिली है। इसका नाम रखा है उन्होंने ये परमजितियाना। ठीक है, ये 9 मीटर उसके पेड़ की जो हाइट होती है, स्वीट और सा मीठा और थोड़ा सा ये कड़वा टाइप का सा फ्रूट होता है, और उसको क्रिटिकली इंडेंजर के अंदर हमें रख लिया गया है, याद रखिएगा इसको। अब आता है क्लाउडेड लेपर्ड अपना, याद रखना कि ये वल्नरेबल है पहली बात तो। ठीक है, और पिछली बार वाला जो अपने ये बनाना था, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, ये अपना IUCN रेड लिस्ट में आता है। जो वल्नरेबल होते हैं ये इनको देखो अपेंडिक्स 1 में ही डालते हैं यूजुअली। ये अपना नेपाल से लेके इंडिया से लेके साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट है उसमें सब में मिलता है। अभी इंडिया में कहाँ मिल रहा है, ये सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में, और स्टेट ऑफ मेघालय उसका ये स्टेट एनिमल है। इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है क्लाउडेड लेपर्ड की। ये अपना फोटो, इसको जो क्लाउडेड लेपर्ड जो होता है उसकी अपनी ये फोटो है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, बादल बादल से उसके ऊपर ये बने हुए होते हैं। लेट्स मूव। ये आ गई इंडियन एमेरल्ड ड्रैगन फ्लाई। ये जो ड्रैगन फ्लाई है अपने केरला के अंदर मिलती हैं। ठीक है, आपने ये जब थोड़ा बहुत कहीं पे जंगलों में गए होंगे तो इस तरह की बटरफ्लाई बहुत दिखती हैं आपको। ठीक है, और ये जो अपना जो ये पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ना, उसके अंदर मिली है ओडानाटा सर्वे के अंदर। ओडानाटा क्या होते हैं, कार्निवोरस, मतलब ये दूसरे कीड़ों को खाने वाले वो होते हैं, जिसमें ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई वगैरह आती हैं। फॉरेस्ट वाला हो गया, पानी वाला जो एरियाज होते हैं वाटर बॉडी के आसपास, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर जो हेल्थ होती है ना, ये जहाँ पे जहाँ जिस पानी के आसपास ये घूम रहे होंगे वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम होता है। इसका मतलब ये, अगर पॉल्यूशन हो गया उस पानी वाली बॉडी के अंदर, जो झील है, लेक है, जो भी है, उस वहाँ तो ये स्पीसीज नहीं मिलेंगी आपको। तो एक कॉमिक याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जो बायो इंडिकेटर्स होते हैं, मॉस हो गया था, उसमें फर्न्स वो है अपने जो उसमें जो अपना एल्गी और फंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइकन जो होते हैं, मॉस हो गए, और ये अपना इंडियन एमरल्ड ड्रैगन फ्लाई, सब बायो इंडिकेटर इधर काम करते हैं। लेट्स मूव। ये एक यूएन की एनवायरनमेंट असेंबली हो रही है अभी, कहाँ पे, केन्या के अंदर। ठीक है,
ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल की एक बॉडी है, डिसीजन मेकिंग मतलब करती है, डिसीजन लेती है, किस किस कंटेक्स्ट में, इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में। सारे 193 मेंबर आते हैं इसके अंदर, नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, कमेटी जो पार्ट परमानेंट ट्रेजर वहाँ बैठते हैं और पूरा पूरा ईयर प्लान वन बनाते हैं, और इस साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, उसमें सारे डिसीजन लिए जाते हैं, है एयर लैंड वाटरवे ओशन सब के पॉल्यूशन के बारे में चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये एक इंस्पायर अपना एक वो हुआ था अभी जयपुर के अंदर ना, उन्होंने एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है, इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट द इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, इसी को इंस्पायर बोलते हैं। 2017 इंटरनेशनल सिंपोजियम टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी, ये कराया किसने था, EECL ने। आपको मैंने ये इकोनॉमी वाले चैप्टर में भी खत्म करवाया था, इकोनॉमी इसमें ECL के बारे में, और एनवायरनमेंट वाले में भी करवाया था वीडियो के अंदर, ऑलरेडी आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है, उजाला स्कीम वगैरह के कंटेक्स्ट में, ये इसी ने दोबारा से यहाँ पे करवाया था, ठीक है, इंस्पायर स्कीम को, कि वहाँ लोग बैठेंगे, आएंगे, बातें करेंगे, और एनर्जी एफिशिएंसी जितनी टेक्निक है उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। इसमें देखिए ये वर्ल्ड बैंक भी आया था, एक अलायंस है एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के लिए, AEEE, ये भी आया था वहाँ पर, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, ये पहली बात तो ये इंडिया के अकेले की नहीं, इंटरनेशनल होती है, जैसे पॉलिसी मेकर्स आते हैं, इनोवेटर्स आते हैं, फाइनेंशियर्स आते हैं, बैंक वगैरह इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, जो ये NGO टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी के जितने भी इश्यूज होते हैं ना, पॉलिसीज, ट्रांसफॉर्म स्ट्रेटजीज हो गया, बिजनेस मॉडल्स होते हैं, सब डिस्कस किए जाते हैं। इसको मतलब बोल रहे हैं कि इसमें ग्लोबल एंड नेशनल थॉट लीडर्स वगैरह भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट में कौन कौन आएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, टेरी, ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट वगैरह, ये चार पांच हैं जो उसमें, आई थिंक MCO के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना ये इंटरनेशनल है, और इसमें सारे जो वर्ल्ड बैंक टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं सबके सब वहाँ करके बातें करते हैं। ये जो मनाया गया था ये अपना इसमें मनाया गया था जयपुर के अंदर, ये फोटो अगर देखें तो आप, ये वो है जंतर मंतर है वहाँ का, ठीक है, ऊपर ये आई थिंक ये नाहरगढ़ है, जयपुर कभी गए होंगे तो पता होगा आपको, अरुणाचल सियांग रिवर टर्न्स ब्लैक, ये सियांग जो रिवर है ना, यही आगे जाके ना ब्रह्मपुत्र में चेंज होती है, जब घुसती है ना अरुणाचल के अंदर तो सियांग रिवर बोलते हैं ये, ठीक है, देखा ना चाइना में ओरिजिनेट हो गई, इंडिया में इंटर करके अरुणाचल थोड़ी देर बाद में दिबांग आके मिल जाती है, लोहित आके मिल जाती है, तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, आसाम में चली जाती है। वो कह रहा है कि सियांग रिवर के अंदर ये ना सडनली काली हो गई थी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक, तो ये बोल रहे थे कि हो क्या सडनली, पानी वानी लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बहुत इशूज़ हो गए थे, तो बाद में पता चला कि चाइना ने शायद उसके अंदर कुछ किया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलाया, तो जितना कचरा था उसने पानी में छोड़ दिया ताकि हम लोगों को नुकसान हो जाए वगैरह करके, ठीक है, जैसे इसमें बोल रहे हैं डिग द लॉन्गेस्ट टनल वगैरह, बाकी नो वन अभी तक असली कुछ रीजन जो है वो गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है, किया भी होगा तो ये आई डोंट नो व्हाट इज द रियल रीजन। ये देखिए ये आ गई, ये यहाँ चलती चलती आ रही है, ठीक है, यहाँ के श्यांग बन गई, इसमें दिहांग लोभित मिल जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र ऐसे निकलती हुई ये यहाँ से नीचे की तरफ बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब आता है 14, ये क्लाइमेट एक उन्होंने चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला है अपना, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक 20 से 2017 में थी, अभी 14 हो गई है, और इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, बोल रहा है ग्रीस हैज जो ग्रीन हैज गाउस के गैस के जो इमिशंस होते हैं वो कम करेंगे, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, 2 डिग्री से हमें नीचे इसका इमिशन लेवल चाहिए, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाला कुछ कर दिया उन्होंने, ग्रोथ रेट वो ना CO2 इमिशन ही कम करो, ऑयल एंड गैस कंजम्पशन अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह करके, ठीक है। ये जो किया किसने, CCPI वाला, ये एक जर्मन वॉच एक वो है अपनी, ये मतलब एक कंपनी NGO टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं रिलीज करती है इसको, जर्मन वॉच एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन CCPI को रिलीज करती है, ठीक है, इस रिपोर्ट को उन्होंने बॉन के अंदर कुछ ये COP3 हुआ था वहाँ पे इसको रिलीज किया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, लोगों पर प्रेशर डालने के लिए, इंडिया की रैंक 14 हो गई है 20 से इंप्रूव होकर, और चाइना की जो रैंक है वो अभी 41 ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अंदर इसमें ये बताया कि एक चीज़ की इसमें ये जो टॉप 3 पोजीशंस है ना वो किसी को अभी दी नहीं गई हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पेरिस क्लाइमेट का जो एग्रीमेंट हुआ था ना उसके हिसाब से जो हमें वो चाहिए चीज़ें वो कर नहीं पा रही है, तो टॉप जो मतलब 1, 2, 3 जो है ना वो खाली पड़ी हैं, फिर 4 से लेकर रैंक स्टार्ट होती है, ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में कौन इसमें आता है, CCPI वाला, ये MCQ आ सकता है UPSC के अंदर। एक ये लास्ट ईयर आ गया एम्स टाइप सवाल, ये सवाल आया था लास्ट ईयर कि किससे है, ठीक है, मेंटेनेंस टाइगर रिजर्व से, आई थिंक मैंने किसी को ये पढ़ाया था इसमें अपना जो माइक प्रोग्राम हो गया और जो इस तरह करके ना ये एम स्ट्राइप्स हो गया और ये अपना एलिफेंट वाला भी हो जो अपना रियानोसरस वाले भी, तो आई थिंक ये लोगों का काफ़ी फ़ायदा हुआ था, मुझे याद नहीं है शायद मैंने इसको कवर नहीं किया था वीडियोज़ के अंदर। तो ये देखिए इसमें ये इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो एम्स टाइप का बेसिकली ये यूज इसलिए किया जाएगा मॉनिटरिंग सिस्टम है ताकि टाइगर्स के लिए ताकि उनके इंटेंसिव प्रोटेक्शन की जा सके, इकोलॉजिकल स्टेटस को कंजर्व किया जा सके। ये वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना इसने बनाया है और पहली बार इसको यूज़ करने की बातें चल रही हैं, ठीक है, और पहली बार दिसंबर जनवरी के अंदर, ये नवंबर का अपना वीडियो मतलब जो करंट अफेयर उसको हम कवर कर रहे हैं, तो दिसंबर जनवरी के अंदर ने बोला था कि हम ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को करेंगे, पूरा डिजिटल जा रहा है मोर रिलायबल एस्टिमेशन के लिए, इन प्रोसेस ऑफ द मैनुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द साइंस चल रही है एलिमिनेट दी, ठीक है, होता है कि लोग अपना कागज हाथ लेके जाते हैं बैठते हैं वो करते हैं, तो अभी सारा सारा पूरा ऐप में डाला जाएगा और फिर उसको मतलब वेरीफाई किया जाएगा,
ठीक है, तो अभी तक ये जो पहली है फोर्थ मतलब टाइगर वाला अपना ऑल इंडिया एस्टिमेशन होना है अभी, ठीक है, ये फ्री अवे ऐप है, सबको स्टाफ वगैरह को दी जाएगी, ठीक है, और ताकि वो अपना सर्वे वर्वे उसमें भर के डाल सकें। याद रखना पहला स्टार्ट हुआ था 2006 में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हुआ था ये अपना, इसमें जो पहला जो उसमें 1411 आई थी, लोग बोल रहे थे कि लोअर लिमिट 1165 होगी, अपर लिमिट 1600, तो बीच में आना था इन्होंने, उनको 2010 में हुआ था, फिर लास्ट हुआ था 2014 में हुआ था, अभी हो रहा है अपना 17-18 के अंदर, जो दिसंबर जनवरी अगर उन्होंने कर लिया है तो ये वाला होगा, ठीक है। इसमें जो काउंट था अभी देखिए 2014 में ये था 2226 था। अब आपके लिए सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर कौन से स्टेट में है, सेकंड रैंक किन की, एटलीस्ट ये दो पता होने चाहिए, थर्ड भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर कर लिया था, लेट्स सी आपको कितना याद है, ठीक है। अब आता ये ऑलरेडी कवर कर ही लिया है मैंने, ये उसकी फोटो है, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द टाइगर्स, फुल फॉर्म है इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस हो गया। हाँ, अभी ये एक मणिपुर संगाई फेस्टिवल, संगाई का जो इनका वो, इस पे भी ऑलरेडी आई थिंक यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, उसका जो वो है मेन जो उनका ये जो नेशनल पार्क है उसके ऊपर, ठीक है, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क अकेला वर्ल्ड में इंडिया में कौन सा है, ठीक है, तो ये उसी के अंदर, ये संगाई डियर है ना मणिपुर के अंदर, जो अपनी ये लोकटक लेक है उसी के अंदर ये सारा आता है। अब देखिए मणिपुर संगाई फेस्टिवल कर रहे हैं, ये इसका स्टेट एनिमल है मणिपुर का, है ना, 2010 में स्टार्ट किया गया था, और ब्रो एंटलर डियर इसके अंदर, ये मतलब ब्रो एंटलर डियर होते हैं इसके अंदर ना, इसी को बोलते हैं ये, इसके जो ये एंटलर्स होते हैं ब्रो शेप्ड होते हैं वगैरह वगैरह हो गया, इसमें कुछ नहीं है फेस्टिवल के, आर्ट कल्चर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह होंगे। स्टेट एनिमल संगाई ब्रो एंड डियर 2010 में स्टार्ट किया गया था मणिपुर संगाई फेस्टिवल, फ्लोटिंग नेशनल पार्क होता है, इसी के अंदर संगाई घूमता रहता है, इसी को डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपने नेशनल पार्क वाला वीडियो पढ़ा है आई थिंक ओनली इसके यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, पढ़ लीजिएगा। ये उनका वो है। अब आता है ई बर्ड इंडिया पोर्टल, ये ई प्लेटफॉर्म जो डिज़ाइन किया गया है वो बर्ड्स के रिकॉर्ड करने के लिए। बर्ड रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है कि ये स्पेशली जो है ना ये अपने उसके लिए होती है कि बर्डर्स के लिए, जो मतलब लोग बर्ड्स को वॉच करते हैं उनके लिए रिकॉर्ड करने के लिए ये अपनी मेन अपना उन्होंने एक वो पोर्टल बनाया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी फोटो खींचेगा और उसकी ना डेट टाइम और प्लेस डाल देगा। तमिलनाडु ने अभी क्या किया कि 1,000,000 फोटोज़ या रिकॉर्ड्स के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। थर्ड स्टेट है तमिलनाडु, पहले ऑलरेडी केरला ने कर दिया, कर्नाटका ने कर दिया है। जो हाउस क्रो होता है ना ये कौवा, ये कहा जाता है कि टॉप वो है अपना जो 25 जो बर्ड्स है ना उसमें टॉप कर रहा है, फर्स्ट आया है कि लोग बहुत ज़्यादा फोटो डाल रहे हैं इसकी। उसके बाद में कॉमन मैना आती है अपनी, ठीक है, और थर्ड आता है लार्ज बिल्ड करो, ये तो हाउस क्रो है अपना घरों में घूमने वाले, ये अपने होते हैं लार्ज बिल्ड करो, ठीक है। ये आ गया इसकी फोटो है जो वेबसाइट के जो लोग कर रहे हैं। एक बॉने मकाउज होते हैं, ये देखिए उनकी फोटो है, ये बोला जाता है कि जो रिसर्स मकाऊ होते हैं ना अपने जो कॉमन बंदर घूमते हैं उनको रिसर्स मकाऊ बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में। साउथ में ये बोला जाता है कि साउथ वाले जो ये होते हैं अपने बंदर जो होते हैं उनको बोने मकाऊ बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ साथ में रहते हैं अप्रॉक्सीमेटी में, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हो कह रहा है सुनने में आया कि जो इंडिया के नॉर्थ वाले हैं वो साउथ में अपना इन्वेड कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो गया ना ट्री कवर वगैरह कम हो गए, कैनोपीज कम हो गए, तो इनकी हालत ख़राब थोड़ी होती है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कंजर्व वंजर्व करो। ये देखिए अपने चिल्का लेक है, ये अगर देखेंगे तो ये अपनी कॉस्टली एरिया है इधर से ना, इधर वाला ईस्टर्न वाला, यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र है और ऊपर उड़ीसा आ गया, ये जो पार्ट है यहाँ पे अपनी चिल्का लेक है। चिल्का लेक की फोटो देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है, एक चिल्का लेक है। ये चिल्का लेक जो है अपनी लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द इंडिया है और सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन द वर्ल्ड है, पूरी अपनी वो सलाइन है बिकॉज पानी वानी घुसता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि लोग ये उसमें न्यूज़ में ये चल रहा था कि माइग्रेटरी बर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं, 50 स्पीसीज थी माइग्रेटरी बर्ड्स की वो देख ली गई हैं, और जो लोग उसमें बहुत नवंबर के ऑलरेडी उसमें बिगिनिंग में आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा लेट आई हैं इस बार, ठीक है, रेनफॉल कम था, एटमोसफेरिक जो प्रेशर होता है टेम्परेचर था वो कम हो गया था वगैरह वगैरह करके। इसमें मेन ये किया जा रहा है कि एक नलबाना सेंचुरी का हमें याद रखना है कि ये क्या है और चिल्का लेक की जो हिस्ट्री है, बिकॉज कि उसमें अपनी जो रामसार साइट जो है सारे की सारी उसके अंदर चिल्का के नाम आता है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसलिए। तो नलबाना सेंचुरी का देखिए कि ये जो एक आइलैंड है उसके अंदर यहाँ बीच के अंदर सेंटर में, ठीक है, वो जो आइलैंड है ना ये कोर एरिया ऑफ द रामसार डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ द चिल्का लेक का वो है, इसी को बर्ड सेंचुरी बनाया गया था, ठीक है, 1973 के अंदर, इसी बर्ड सेंचुरी के अंदर ही सारा का सारा जो माइग्रेटरी वाली है वो आती हैं। एक देख लीजिए, याद रख लीजिएगा इसको, एक गेकोज हमने पढ़ा था आई थिंक पिछले वीडियो के अंदर कि एक लिजर्ड को ढूंढा गया था कहाँ पे, उसमें अपने कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर छत्तीसगढ़ में, जो अपना सुकमा एरिया के अंदर में था, ये वाला जो है ये भी उनको मतलब वहीं पे मिला है महेंद्रगिरी हिल्स के अंदर आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर के अंदर, नया वाला गेको, ठीक है, ईस्टर्न घाट के अंदर है ये महेंद्रगिरी, उसमें गेको उसको उसमें बोला गया कि ये वेस्टर्न घाट में नहीं मिलता है और ये बेसिकली ईस्टर्न घाट के अंदर है और 32nd स्पीसीज है इस तरह गेको की, ये इसमें अंदर नहीं जाना है कि एक्सेप्ट ये याद रख लीजिएगा मिला कहाँ पे है महेंद्रगिरी हिल्स के अंदर, मैपिंग जरूर कर लीजिएगा अपने उसमें अपने जियोग्राफी वाले पार्ट के अंदर कि कहाँ पे है ये एग्जैक्ट, और कांगेर घाटी कहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ये उस गैको की पिक्स है।
अब आता है अपना नेविगेशनल बॉय, जो भी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर कई बार ना ये इस तरह की बॉय चलती रहती हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि या तो ये कुछ इंडिकेट कर रही होती हैं, या कई बार सुनामी के लिए डाली रखी होती हैं उन्होंने, या फिर जैसे नीचे कुछ पत्थर होता है ऐसे चट्टान होती है तो उसके ऊपर टांग दी जाती है ताकि कोई जो कोई सिप आ रहा है उसको टच ना करे और उसमें मतलब एक्सीडेंट वक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, यूजली एंकर मतलब इनको बांध के रखा जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, और कई बार इसमें मतलब कहते हैं ना कि इसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी दी जाती है ताकि वो डाटा वाटा जो भी आ रहा है वो प्रेस मतलब वहाँ पर अपना ट्रांसमिट करती रहे इसमें कहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर। अब देखिए बॉय क्या होती है, एंकर्ड होती है पहली बात तो, नेविगेशन मार्क होता है इसमें, है ना। ये एक उन्होंने क्या किया, वेव पावर्ड अब इस पर स्टार्ट किया। वेव मतलब जितनी वेव की जो उसमें हिल रही होगी ना पानी की, जो अपना वो जो एक जो थपेड़े लग रहे होते हैं उसको वेव्स बोलते हैं एक तरीके से, है ना, लहर आ रही होती हैं, वो जो लहर होंगी उनसे एनर्जी निकलेगी, वो उसको क्या करेंगे पावर करेंगे एनर्जी देंगी। और उसको ये अपनी NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ठीक है, वेव एनर्जी से पहली बार ये कर जा रहे हैं। पहले क्या करते थे ये, या तो सोलर पावर से करते थे और सोलर पावर से ये बैटरी में अपन स्टोर करते थे। अब ये काम क्या आएगी, गाइड करने में शिप्स को, है ना। कई बार क्या होता है कि उसमें अब पत्थर वत्थर होंगे, जैसे ये लिखा है रीफ्स हजार्ड्स हो गए ना, इनके हेल्प करने के लिए। एक बोई का दूसरा काम क्या होता है, ये वाला होता है अपना सुनामी वाला होता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया है और ये ऑन द ईव ऑफ द एग्जीक्यूटिव, छोड़ दो कुछ खास है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च किया और बनाया इसने है ये। ठीक है, और ये इंडिया के अंदर पहली ये अपनी एंकर्ड फर्स्ट वेव पावर्ड नेविगेशन बोई है। ठीक है, ये विंड स्पीड का देख लीजिए यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए ये हो गया। इसके अंदर दोबारा वही सेम चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, फोटो देख लिया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये नई ये मिली है, ये देखिए एंट। ठीक है, चींटी मिली है, कहाँ मिली है ये, हॉटेस्ट हॉट स्पॉट जो इंडिया का कौन सा है, वैष्णो घाट है, तो वैष्णो घाट मिली है। एग्जैक्टली मिली कहाँ पे, ये पेरियर टाइगर रिजर्व के अंदर मिली है। एक ये टायरनो मायरक्स में इसका नाम होता है, रेयर ट्रॉपिकल जीनस होती है, मुस्ताकली भाई साहब हैं अपने जो चींटियाँ ढूंढते रहते हैं यहाँ पे, इसमें वैष्णो घाट के अंदर उन्होंने ढूंढा है, सो कंट्री का एंटमैन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सलीम अली कौन थे अपने, इंडिया के बर्डमैन थे, है ना, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक वाटरमैन है अपना। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब न्यूज़ में देखते रहना, ध्यान रखना, उनको कहीं पे लिख लेना। ये हो गया, आगे चलते हैं, लेट्स मूव। या क्लीन गंगा मिशन कुछ खास न्यूज़ है, ऑलरेडी मैंने कवर भी करवाया था पिछले किसी वीडियो के अंदर, बट वो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, कभी भी सवाल बन सकता है दोबारा से। मई 2015 है, क्लीन प्रोडक्ट करने कर रहे हैं। न्यूज़ में क्यों आया, यूके के बेस्ड जो अपने इंडियन जो बिजनेसमैन है ना वहाँ पे, उन्होंने 500 करोड़ रुपये डोनेट कर दिए हैं क्लीन गंगा मिशन के लिए। तो इमेजिन कीजिए मतलब लोग कितना मतलब चाह रहे हैं और इंडिया वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। इन्होंने किया क्या है, रिवर फ्रंट रीजनरेशन कर रहे हैं, जो रिवर का जो फ्रंट होता है जो ना कॉस्ट जो एक जो अपने जो रिवर के जो ये जो जहाँ से पानी मतलब जमीन में टकर टच कर रहा होता है वहाँ पे उस फ्रंट को रीजनरेट करना, उसको दोबारा से सुधारना के लिए कर रहे हैं, घाट बनाने के लिए कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, पटना में, कानपुर में, हरिद्वार में और कलकत्ता के अंदर। ठीक है, ये 4 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यूके के, इंडिया वाले, उन्होंने ये इसको टेकअप कर लिया प्रोजेक्ट को, CSR एजेंडा में है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, कुछ खास है नहीं इसके आगे। ये एक नई गाइडलाइंस आई हैं, फिल्म्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेंस में कोई ऐसा सर बनने के चांसेस हैं, बट सुन लीजिए फिर भी करंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अपना ये दोबारा गाइडलाइंस निकाल दी किसके लिए, कैंपा के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कंपनसेशन जो अपना एफरेशन हो रहा है कि भाई जिसने कई बार आपको पता ही होगा कैंपा क्या है, करंट अफेयर्स दोबारा चेक कर लेना कि जो अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं या फैक्ट्री जो लैंड मतलब यूज़ करती हैं फॉरेस्ट वाले एरिया से, उनको कहीं और लैंड लेके गवर्नमेंट को देना पड़ता है और वहाँ पे कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, प्लस उस लैंड के अंदर अपना जो दोबारा से पौधे लगाने जो खर्चा होता है वो भी देते हैं। ठीक है, तो वो जो खर्चा था वो इकट्ठे होते होते आज अपने पास 40,000 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, नया कैंपा बिल लेके आई थी, उस पर जो इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट आया था आज तक 40,000 रुपये पड़े पड़े, उसको तो गिना ही नहीं गया है। 90% जो कॉर्पस है ना 40,000 करोड़ का, वो जाएगा स्टेट्स के पास में। ठीक है, वो अपना उसको यूज़ करेंगे। 10% जो है सेंटर बोल रहे हैं हम अपने पास रखें, किस लिए, मॉनिटरिंग के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, 6,000 करोड़ हर साल स्टेट के पास जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाता है। 15 करोड़ मैंडेज और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 15 करोड़ एक दिन का मतलब जो रोजगार होगा लोगों को मिलने वाला है। बल्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द ट्राइबल एरियाज के अंदर, बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट खराब हो गया, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे जंगल वंगल जो गायब होता जा रहा है ना, तो इस एरिया के अंदर उन्होंने डिग्रेडेड वाला जो पार्ट है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 40% तो इसी के अंदर यूज़ करने के लिए बोल रही है। ठीक है, ये आ गया इसमें पीछे, और उन्होंने गाइडलाइन बोला क्या कि स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये बोला है कि भैया होता क्या क्या, पैसा तो पड़ा है आप, लेकिन आप बाद में लैंड ढूंढते रहते हो कि यार कहाँ लगाएं क्या करें, रात दिन ये करने के बजाय अभी से आप लैंड बैंक ही क्रिएट कर लो कि भैया ये जमीन जो है यहाँ पे ये कैंपा के अंदर फॉरेस्ट लगाना है। एक कमेटी बनाएगा स्टेट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट के अंदर में और इस चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंदर में सब मिलकर लैंड बैंक का क्रिएशन करेंगे सिस्टमेटिक मैनर के अंदर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे स्कीम बनाई जाएंगी, उसमें ये सारी एक्टिविटी जाएंगी, सॉइल का, मॉइस्चर का कंजर्वेशन कैसे होता है, रीजनरेशन क्लीनिंग कैसे करनी है, सिल्वीकल्चर एक्टिविटी हो गई ना अर्थवर्म वाली, प्लांटेशन हो गया, ये सब आ गए 10 साल के लिए।
10 साल के लिए उन्होंने बोला ये किए जाएंगे नंबर। हाँ ये याद रखिएगा कि जो इस स्कीम के अंदर में जितने भी प्लांट कितने लगाने हैं, तो एक नंबर डिसाइड किया गया है। उस ये लैंड के अंदर एटलीस्ट 1000 प्लांट पर हेक्टर, मतलब उसमें और फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्ट किया गया उसमें लगाने हैं। अगर वहाँ पर नहीं लगा पा रहे हैं हम 1000 प्लांट, तो हम इसको डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड के अंदर लगाया जाएगा। ये इसका था। ये देख लीजिए, इसमें स्कीम आई थी अपनी इमिशन ग्रीप, सॉरी ये रिपोर्ट आई थी इमिशन ग्रीम गैप रिपोर्ट, सॉरी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने ये रिपोर्ट रिलीज करती है, ठीक है, एनुअल इमिशन गैप रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि हमें अगर 2020 तक इतना टारगेट अचीव करना है, तो हमारे हर साल का CO2 का इमिशन इतना होना चाहिए और हमारा हो कितना रहा है। तो ये जो गैप होगा ना उनके बीच का, कि भाई हमें सो ही आज मतलब गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालनी थी तभी हमारा पॉल्यूशन या मतलब जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, लेकिन हम निकाल कितना रहे 200, तो हमारा जो 100 बीच में 200 में 100 निकाले 100 आ गए, तो 100 गीगा टन हमारा इमिशन गैप है। इसलिए क्या करते हैं कि हमारे जो कंट्रीज होंगे उनका साइंटिफिक असेसमेंट हो जाएगा, और ये हो किस में रहा है, लॉन्ग टर्म जो गोल है ना UNFCCC का, ताकि हम ग्रीन हाउस गैस को बंद कर दें या रोक दें, उसके लिए ये किया जा रहा है। UNEP इसकी रिपोर्ट निकालती है। हुआ क्या, अभी इसमें देखा कि उन्होंने ये बताया कि इमिशन गैप जो है ना 2030 के लिए वो 12 से 14 गीगा टन CO2 इक्विवेलेंट का है, जो हमारे 2 डिग्री के लिए चाहिए। तो और भी अगर 1.5 डिग्री चाहिए तो और भी ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें मेन होता क्या है कि डिफरेंस देख लीजिए, होता है कि डिफरेंस बिटवीन द इमिशंस लेवल इन 2020 नेसेसरी टू मीट द क्लाइमेट टारगेट, कि जितना हमें मतलब कि जो इमिट करता है CO2 को बाहर निकाला जा रहा है फैक्ट्री से, वो जो लेवल है वो और जितना हमें चाहिए उसके बीच का डिफरेंस जो ऑलरेडी बताया था मैंने, ठीक है। ये बोल रहे हैं इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्री 2030 एक्शन चाहिए, 2020 के बाद तो बहुत लेट हो जाएगा वगैरह वगैरह, काफ़ी बातें चल रही हैं। इसमें मेन चीज़ हमें याद रखनी है कि इमिशन गैप रिपोर्ट निकालता कौन है, मतलब क्या है, ठीक है। अब आ गया, इसने क्या किया, पेटकोक आपको पढ़ाया था मैंने, उसमें आई थिंक इकोनॉमिक इसमें जिसमें वीडियो के अंदर, इसमें अपनी जो एक ये है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है EPCA 2017 में उसने ये बोला है कि जो पेटकोक है और फर्नेस ऑयल है वो NCR रीजन के अंदर बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसने बाद में से फॉलो कर लिया। तो उसमें क्या होता है, जो पेटकोक उसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, जो सल्फर जो होता है ना हमारी वो लगाता है, मतलब कि उसमें बहुत पॉल्यूशन करता है और हमारे डिजीज़ बहुत करता है शरीर के अंदर जाके। तो ये होता कहाँ यूज़ हो रही है फर्नेस ऑयल और पेटकोक वगैरह, सीमेंट फैक्ट्री में, डाइंग में, पेपर मिल्स में, ब्रिक किलन्स में, सिरेमिक बिजनेस के अंदर। और हुआ क्या है कि इंडिया को ना डंपिंग ग्राउंड बना दिया, मतलब सारा का सारा वर्ल्ड का कचरा यहीं डाला जा रहा है जो पेटकोक में होता है, और जो स्पेशली US से, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने बैन कर दिया है बिकॉज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्या है कि ऐसा कोई रेगुलेशन है नहीं, तो यहाँ चल रहा है हमारा काम। अब आता ही है हाँ NGT, एक NGT पे सवाल इसलिए बनता है कि बार बार न्यूज़ में रहता है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, राइट। तो ये 2010 में आया था पहला MCQ यहाँ बनेगा, ठीक है, एक्ट आया था 2010 के अंदर। स्टेट इसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव ये था कि ये स्पेशलाइज एक स्पेशल फॉर्म बनाई जाएगी जिसके अंदर लोगों को जो बैठे होंगे ना जो जजमेंट देने वाले वो स्पेशलाइज होंगे, मतलब ऐसे स्किल्स होंगे जो ये चीज़ देने के लिए। काम क्या होगा, स्पीडी डिस्पोजल करना है, जो मतलब फटाफट केस आया उसको डिस्पोज कर दिया, किस मामले में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मामले में, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट मामले में, ठीक है, दोनों के अंदर। न्यू दिल्ली में इसी कहाँ है, प्रिंसिपल बेंच है मेन, जो है प्रिंसिपल बेंच इनकी न्यू दिल्ली के अंदर है, 4 इनकी रीजनल बेंच है, पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। ये हो गया, चेयरपर्सन जो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, हाइट उसमें जज होगा, रिटायर्ड जज अपना सुप्रीम कोर्ट का, और रिटायर्ड जज होंगे हाई कोर्ट के, तो एक जज हो गया अपना SC का, बाकी जो अपने हाई कोर्ट के जज आ गए। याद रखना कि इसमें जुडिशल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, जुडिशल मेंबर में जज आ गए, एक्सपर्ट मेंबर में कौन होंगे, जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस मामले में, कौन सा एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट के मामले में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के मामले में और बाकी सब्जेक्ट्स के मामले में। हर बेंच जो बैठेगी ना, कि भाई बेंच बैठती है उसमें केस जाता है, उस बेंच में बोला कि एटलीस्ट एक जुडिशल मेंबर होगा और एक एक्सपर्ट मेंबर होगा, और दोनों डिसाइड करेंगे केस को। कम से कम 10 जुडिशल मेंबर होंगे, मैक्सिमम 20 टोटल, मतलब जुडिशल मेंबर हो सकते हैं 10 और 20, ये भी एक्सपर्ट के लिए भी यही है, ठीक है, टोटल जो काउंट बताया गया है। अब चलते हैं आगे, इसमें याद रखना कि MCQ ये बनता है कि जो Schedule 1 है ना उसमें कौन कौन से लॉ दिए गए हैं, ये सारे सिविल केस होनेगा ये, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू वाले। तो ये देख लीजिए, 2 वाटर एक्ट हैं, वाटर अपना प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट हो गया 1974 वाला, एक वाटर सेस एक्ट है 1977 वाला, ठीक है, फॉरेस्ट ये अपना एक्ट आ गया 1980 वाला, एयर एक्ट आ गया अपना 1981 वाला, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आ गया 1986 वाला, ये आ गया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 वाला, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आ गया 2002 वाला। तो अभी है क्या क्या नहीं, याद रखिएगा इसमें एक तो वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है अपना, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और है 1927 वाला, ये 2 एक्ट्स में नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। अगर कभी NGT पे MCQ आता है और बहुत बंदा सोचता है ओके इस इश्यू को टफ बना दिया थोड़ा सा, बिकॉज कि ये फॉरेस्ट वालों के लिए बहुत जरूरी होता है ये, तो यहां से बनाया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट 1927, दोनों इसके अंडर में नहीं आते हैं, ना ही इसमें जो स्टेट्स के जो एक्ट्स आते हैं ना वो भी इसी में नहीं आते हैं। तीनों याद रखना, ये 3 चीज़ें नहीं आती हैं, वाइल्ड लाइफ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट्स एक्ट वाले। आते कौन कौन से हैं, 2 वाटर के हो गए, एक फॉरेस्ट का हो गया, एक एयर का हो गया, एक अपना जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, और एक पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। याद रखिएगा ये, आपको लगे यार इंश्योरेंस है, पब्लिक लायबिलिटी है, इकोनॉमिक का टॉपिक है, तो एनवायरमेंट में क्यों आएगा, नहीं इसका है,
ठीक है, आगे आते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें फालतू के जो स्पेसिफिक इशू होते हैं, सब्सटेंशियल इशू होते हैं, इस इन लॉस जो ये मतलब बता दिए मैंने, तीन में नहीं आएंगे। कोई इसमें जो जो अपना ये सीआर ये कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर होता है अपना, इनके अंदर ये बाउंड नहीं है। ये अपना अपना प्रोसेस खुद बनाएगा और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा, और जो ऑर्डर्स होते हैं दे कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन दी 30 डेज। अगर एनजीटी ने कोई ऑर्डर दे दिया तो आपको 90 दिन में अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए तब तो काम हो जाएगा, वरना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।